तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का पार्ट फर्स्ट इसके पहले वीडियो में अपलोड है, यहाँ उसका शेष भाग लेके चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को। आज का दूसरा रूल है कि जब एक ही व्यक्ति वस्तु के दो क्वालिटीज में तुलना हो। पहले हम क्या कहते थे कि क्वालिटी एक होता था और व्यक्ति या वस्तु दो होता था, और हम देखते थे कि वो क्वालिटी किसमें अधिक है और किसमें कम है। आज हम देखेंगे कि व्यक्ति एक ही है और क्वालिटी उसको में दो है। हमको देखना है कि कौन क्वालिटी अधिक है और कौन क्वालिटी कम है। तो जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो क्वालिटी के बीच में तुलना करना है तो उसका जो आप कंपैरेटिव बनाइएगा ये हो जाएगा मोर प्लस एडजेक्टिव। कहने का मतलब ये कहीं भी इसको में हम ईआर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लिखेंगे मोर टॉल, टॉलर नहीं लिखेंगे। कहाँ? जब एक ही, जब हमको दो क्वालिटीज के बीच में तुलना करना हो। अब इसको आप एग्जांपल में समझिए कि सी इज मोर फैट देन टॉल। अब देखिए कि सी में दो क्वालिटी है, सी तो अकेले है, एक फैट है और एक टॉल है। अब देखना है कि फैट ज्यादा है कि टॉल ज्यादा है। तो इस देखिए कि यहां पर हम कर सकते हैं फैटर, लेकिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि फैट और टॉल में इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ मोर फैट लिखाएगा, यहाँ पर हम फैटर का प्रयोग नहीं करेंगे। सी इज मोर फैट देन टॉल, वह मोटी अधिक और लंबी कम है, वह मोटी अधिक और लंबी कम है। सेकेंड हम एग्जाम्पल इसका और ले लें कि दी रूम वॉच मोर लॉन्ग देन वाइट। अब देखिए यहां लॉन्गर नहीं लिखे, क्या लिखे? मोर लॉन्ग, कमरा लंबा अधिक और चौड़ा कम था। सेकेंड में लिखे कि दिस पेड इज, दिस पेड इज मोर कॉस्टली देन गुड, यह कलम महंगी अधिक और अच्छी कम है। तो यहाँ हम कॉस्टलियर नहीं कर सकते हैं, यहाँ हम लॉन्गर नहीं कर सकते हैं, जब दो क्वालिटीज के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। सब का कंपैरेटिव हम मोर प्लस एडजेक्टिव से बनाते हैं, सब एडजेक्टिव के पहले हम मोर का प्रयोग करेंगे। आगे हम देखेंगे पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज, ये क्या होता है पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। जब समानांतर ढंग से किसी चीज में वृद्धि हो या ह्रास हो, कमी हो, तो क्या होता है, दोनों ओर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं। इसको हम कहते हैं पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज। इसका स्ट्रक्चर होता है डी प्लस कंपैरेटिव और डी प्लस कंपैरेटिव। इसमें दो क्लाउज होता है, एक क्लाउज यहां होता है और एक क्लाउज यहां होता है, और दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होता है, और दोनों कंपैरेटिव के पहले डी का भी प्रयोग होता है।
इसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक एडवर्ब क्लाउज होता है, जो कि हम लोग सेंटेंस पैटर्न में पढ़ेंगे, जब क्लाउज पढ़ेंगे तब। अब इसके लिए आप एग्जांपल देखिए कि कैसे होगा कि the higher we go the colder we feel। अब देखिए the higher कंपैरेटिव है, the colder कंपैरेटिव है। हम जितना ऊपर जाते हैं उतना अधिक ठंडक महसूस करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि the more he gets the more he wants, वह जितना अधिक पाता है उतना अधिक चाहता है। थर्ड में देखेंगे द मोर यू रीड द लेस यू लर्न, तुम जितना अधिक पढ़ते हो उतना कम सीखते हो। तो सब में देखिए कि दोनों क्लाउज में क्या है आपका कंपैरेटिव डिग्री, लेस क्या है कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है। तो यदि हम पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज किसी चीज में दिखलाना है दोनों क्लाउज के बीच में, तो दोनों क्लाउज के साथ हमारा कंपैरेटिव डिग्री आएगा। इसमें एक एडवर्ब क्लाउज होगा और एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, जिसकी चर्चा हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे या सेंटेंस पैटर्न पढ़ेंगे, क्लाउज पढ़ेंगे, उसको में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, लगातार वृद्धि या कमी, डिक्लाइन भी उसको हम जोड़ेंगे। ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। यदि किसी चीज में लगातार वृद्धि होता है या कमी आता है, तो इसमें दोनों एडजेक्टिव को हम एंड से जोड़ते हैं और दोनों एडजेक्टिव कंपैरेटिव में होता है, मतलब कंपैरेटिव प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव। अब एग्जांपल में देखिए he is getting richer and richer, वह धनी होते जा रहा है। अब ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि he is getting richer than rich या rich and rich, he is getting richer and richer, ऐसा में मत लिखिए कि he is getting rich and rich या richer and rich या rich and richer, ये दोनों comparative degree में रहेगा, दोनों comparative degree में रहेगा। second में देखिए कि you are becoming more and more ambitious, तुम महत्वाकांक्षी होते जा रहे हो। फिर देखिए यहां दोनों क्या आया है, कंपैरेटिव डिग्री में आया है। थर्ड में लिखेंगे सी इज बिकमिंग फैटर एंड फैटर, वह मोटी होती जा रही है। तो इस सब में हम क्या देख रहे हैं कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट में लिखेंगे, एक और लिख देते हैं कि मोहन इज गेटिंग
वीकर एंड वीकर। तो देखिए कि यहां दोनों एडजेक्टिव क्या रहा है, कंपैरेटिव में आ रहा है। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है कि हैड बेटर, हैड रेदर, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, हैड सूनर, वुड सूनर, वुड सूनर, वुड सूनर। इस सब के बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा, यहां देन आएगा और यहां भी बेयर इन्फिनिटिव आएगा। बेयर इन्फिनिटिव मतलब भी वन आएगा, कहीं भी टू या जीरेंड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और इसको एग्जाम्पल से समझिए कि हम एक एग्जाम्पल दें इसके लिए कि भी दो एक्शन के बीच में कंपैरिजन करता है। दो एक्शन के बीच में कैसे कंपैरिजन करता है कि he had better die than beg, उसके लिए भीख मांगने से मरना अच्छा है। एक है मरना और एक है भीख मांगना, ये दो एक्शन के बीच में हम तुलना कर रहे हैं। तो ये जो दोनों हमारा एक्शन वर्ड है ये दोनों बेयर इन्फिनिटिव में होगा। टू डाई नहीं होगा, डाइंग नहीं होगा, टू बेग नहीं होगा, बेगिंग नहीं होगा, न तो यहाँ पर जीरेंड आएगा और न यहाँ पर इन्फिनिटिव आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा, भी वन आएगा। उसी ढंग से हम लिखते हैं कि यू हैड सूनर स्टे देन स्टार्ट, तुम्हारे लिए ठहरने से जाना अच्छा है। ये सब एक है, कहीं किसी का कोई मीनिंग नहीं है। जहां हैड बेटर लिखते हैं वहीं हैड रेदर लिखिए, वहीं हैड सूनर लिखिए, वहीं गुड सूनर लिखिए, मतलब सब एक ही है, सब कंपैरिजन ही कर रहा है और साथ साथ ये एडवाइस भी देता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे जब इन्फिनिटिव के चैप्टर में जाएंगे तब फिर होगा कि यू हैड बेटर रीड इंग्लिश, अच्छा है कि आप अंग्रेजी पढ़िए। इस ढंग से भी इसको लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम डिग्री पढ़ रहे हैं तो केवल हम डिग्री में ही इसको देख रहे हैं। उसके बाद है हमारा कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो देखिए कि देन लगाते हैं, यदि लिखा हुआ रहे जूनियर या सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, तो इतना के बाद आप यहां प्रीपोजिशन में पढ़ाए हैं कि टू लगाइएगा, यहां देन का प्रयोग नहीं करना है। इस सब के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है। इसलिए लैटिन शब्द है, सब लैटिन कंपैरेटिव है। और दूसरे है कि इसको अलग से डिग्री नहीं बनाना है, तो ये सब स्वयं अपने आप में कंपैरेटिव है। हम लिख देंगे कि यू आर जूनियर देन मी, तो यहां ये बिल्कुल गलत है।
यहाँ पर होना चाहिए यू आर जूनियर टू मी, कारण के प्रीपोजिशन के चैप्टर में देखिएगा, और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए कि टू यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। इसको इस ढंग से भी मत लिख दीजिए कि यू आर मोर जूनियर टू मी, इसलिए कि खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने का कहीं से कोई चांस नहीं है। अलग से मोर मोस्ट लगा करके इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम नहीं बना सकते हैं। दूसरा है एग्जांपल हम लेंगे कि दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट, यह कपड़ा उस कपड़े से अच्छा है या उससे अच्छा है। अब देखिए कि इसका प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में भी करते हैं, जूनियर माने छोटा, सीनियर माने बड़ा, इंफीरियर माने खराब, सुपीरियर माने अच्छा, तो इसका प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में भी करते हैं। कैसे लिखेंगे कि ही इज अ जूनियर इंजीनियर, मिस्टर पांडे इज अ सीनियर एडवोकेट। तो यहां पर देखिए कि दोनों में इसका प्रयोग कहां हुआ, पॉजिटिव में हुआ, तो इसका आप पॉजिटिव में भी प्रयोग कर सकते हैं और कंपैरेटिव में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि इसको हम प्लूरल बना दें तो यह नाउन भी बन जाता है, जैसे I respect my seniors, तो प्लूरल तो नाउन का बनता है, तो यहां पर यही देखिए क्या चीज बन गया, नाउन बन गया, मैं बड़ों का आदर करता हूं, सीनियर अपने से जो सीनियर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, आदर करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि He is my junior, मतलब हमारा जूनियर कोई है, कलीग वगैरह हो सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए my क्या है, my दोनों जगह क्या है, determiner है, determiner का प्रयोग हमेशा noun के पहले होता है, तो देखिए यहाँ दोनों में क्या बन गया, noun बन गया। तो junior, senior, inferior और superior, inferior मतलब होता है खराब, हम लिख सकते हैं कि दिस क्लॉथ इज इंफीरियर टू दैट, यह कपड़ा उस कपड़े से खराब है। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, हम देखते हैं वीडियो को बार बार देखिए, यह कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, जितना मैं क्लास में पढ़ाता हूं टोटल मैं इसमें डालता हूं, जितना आपके सिलेबस में है टोटल सिलेबस ये फॉलो कर रहा है। अब जैसे माइनर है, माइनर, मेजर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, तो ये सब का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में इस सब का प्रयोग करते हैं। माइनर हो गया छोटा, मेजर हो गया बड़ा, इंटीरियर हो गया आंतरिक और पोस्टीरियर हो गया बाहरी, ठीक है। अब जैसे लिखेंगे दिस इज अ, अब यहां लिखते हैं मेजर ऑपरेशन, तो यह बड़ा ऑपरेशन है,
यदि माइनर लिख दें, माइनर ऑपरेशन हो जाएगा कि यह एक छोटा ऑपरेशन है, एक माइनर इंजुरी भी होता है और मेजर इंजुरी भी होता है। तो इस ढंग से इसका प्रयोग देखने में तो लगता है कि कंपैरेटिव है, लेकिन अब ये सब बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं, इनका प्रयोग कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता है। अब यही मेजर लिख देंगे तो नाउन हो जाएगा, जैसे आर्मी का एक अधिकारी होता है मेजर। माइनर लिख देंगे तो भी एक नाउन बन जाएगा, ये नाउन वाले चैप्टर में क्लियर किया हुआ है। अब हम लिखेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग जो है, तो इस ढंग से जितने भी जो एडजेक्टिव हैं वे सब क्या है, पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होने वाले ये सब एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि यदि दो एक्शन में हमको तुलना करना है, तो ये चैप्टर है नॉन फिनाइट का, लेकिन फिर भी हम कंपैरेटिव में थोड़ा सा देखेंगे। इसका पहला स्ट्रक्चर है जीरन प्लस कंपैरेटिव प्लस डैन प्लस जीरन। इसका मतलब है कि देखिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए, जीरन ही होना चाहिए। अब एक एग्जांपल से देखिए कि वॉकिंग इज इजियर देन रनिंग, टहलना दौड़ना दौड़ने से आसान है। अब यहां लिखते हम रन तो गलत हो जाएगा, यदि यहां लिखते टू रन तो यह भी गलत हो जाएगा, इसलिए कि जब यहां जी रेंड है तो वहां भी जी रेंड होगा। अब इसको पॉजिटिव में लिखना है तो फिर देखिए दोनों तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, इसी को हम पॉजिटिव में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रनिंग इज नॉट एच इजी एच वॉकिंग। अब फिर देखिए कि यहां क्या आ गया, क्या आया, दोनों तरफ फिर जीरेंड आया। यही यहां पर फिर गलती नहीं करेंगे कि रन नहीं करेंगे, टू रन नहीं करेंगे। अब इसी को हमको लिखना है, यहां पे क्लियर हो गया होगा। इसी को हमको यदि लिखना है इन्फिनिटिव से, तो इन्फिनिटिव से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव प्लस इन्फिनिटिव प्लस देन और प्लस वेयर इन्फिनिटिव। वेयर इन्फिनिटिव फिर देखिए भी वन, अब देखिए यहाँ फुल इन्फिनिटिव आ रहा है, फुल इन्फिनिटिव करने का मतलब कि यहाँ आएगा टू प्लस भी वन। अब यहाँ पर वेयर इन्फिनिटिव छोड़ करके जीरन का प्रयोग मत कीजिए। अब हम लिखेंगे कि इट इज नॉट easier to walk, it is not easier to यहां से चलते हैं, इसी सेंटेंस को मैं लिख रहा हूं, दूसरा सेंटेंस लिखा रहा था it is easier to walk then run। अब देखिए यहां रनिंग नहीं होगा, रनिंग नहीं होगा यहां, जब होगा तो क्या होगा, भीवन, भीवन मतलब बेयर इन्फिनिटी। यहां वॉक नहीं होगा, वॉकिंग नहीं होगा, यहां जब होगा तो टू प्लस भीवन होगा। और इसी को यदि हम पॉजिटिव डिग्री में लिखें, कहने का मतलब कि इसको मैं लिखें, तो फिर सेम चीज वहां पर यह लागू हो जाएगा। कैसे लागू हो जाएगा, कि ये हमारा हो जाएगा कि सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और प्लस एच प्लस हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, प्लस हो जाएगा इन्फिनिटिव, प्लस
इन्फिनिटिव, अब प्लस हो जाएगा एच, अब फिर हमारा प्लस हो जाएगा देयर इन्फिनिटिव। अब इसी को फिर आप देखिए, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसको भी विस्तार से इसको देखेंगे, यहाँ केवल हम आपको समझा रहे हैं। अब इसी को लिखिए तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट एच ईजी, एच के बाद फिर देखिए पॉजिटिव डिग्री आ गया, एच ईजी टू रन एच वॉक, इट इज नॉट एच ईजी टू रन एच वॉक। अब देखिए कि यहां एच, यहां तो आ गया, इस एच के बाद हमारा क्या आया, टू प्लस रिमान आया, लेकिन इस एज के बाद क्या आया, बेयर इंफिनिटिव आया। तो कंपैरेटिव डिग्री में इतना ही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में सुपरलेटिव डिग्री। वीडियो को बार बार पढ़ी देखिए, बार बार इसको वाच कीजिए, और जो यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं उसका एक्सरसाइज करते रहिए। थैंक यू।